दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको तीन यूनिक प्रोडक्ट्स के बारे में बताने वाला हूँ। वैसे दो जो प्रोडक्ट्स हैं यूनिक प्रकार के हैं, लेकिन जो तीसरा प्रोडक्ट है वो इतना यूनिक नहीं है, लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये एक बोन कंडक्शन ग्लासेस है, मतलब कि ये आपको स्टाइलिश लुक भी देने वाला है और साथ में इसमें ऑडियो सिस्टम भी है, मतलब कि आप गाना भी सुन सकते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट है। और जो दूसरा प्रोडक्ट है वो है ये है ऑस्मो पॉकेट कंट्रोलर व्हील। अगर आप DJI ऑस्मो पॉकेट का उपयोग कर रहे हैं, ये है DJI ऑस्मो पॉकेट, तो आप इस प्रकार के स्पेशल एक्सेसरी का उपयोग कर सकते हैं। ये भी बहुत ही खास किस्म का प्रोडक्ट है और वीडियो शूट के दौरान ये काफ़ी काम में आ सकता है। इसके बारे में भी मैं आपको जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ। और जो तीसरा प्रोडक्ट है, जैसा कि मैंने कहा, वो यूनिक किस्म का नहीं है लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये है वो प्रोडक्ट, RC जीप, मतलब कि रिमोट कंट्रोल जीप। तो इस वीडियो में मैं आपको इन तीनों प्रोडक्ट्स के बारे में बताने वाला हूँ। इस वीडियो को लाइक कीजिए और देखते रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ गोगी और चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं ये बोन कंडक्शन ग्लासेस की। ये देखिए, इस प्रकार की पैकिंग है और ये एक खास किस्म का प्रोडक्ट है। वैसे जो तीनों प्रोडक्ट्स है ये मैंने बैंगूड वेबसाइट से ख़रीदा हुआ है। और ये लीजिए, इस बॉक्स पैक को मैं खोल देता हूँ। ये बेसिकली सनग्लासेस है और ये देखिए, बहुत ही बढ़िया किस्म की पैकिंग दी हुई है। ये बॉक्स पैक एकदम प्रीमियम किस्म का लग रहा है, लेदर टाइप फिनिशिंग है और इसके अंदर है ये सनग्लासेस। ये देखिए, इस प्रकार का है। ये यूनिक किस्म का सनग्लासेस है। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें और यहाँ पर देखें तो इसमें बिल्ट इन बैटरी है, ब्लूटूथ है और ये बोन कंडक्शन टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहा है, जिसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। लेकिन इसके पहले देख लेते हैं कि बॉक्स में इसके अलावा हमें क्या क्या मिलता है। तो आपको ये केबल मिलता है चार्जिंग के लिए। ये खास किस्म का केबल है और इसमें दो चार्जिंग डॉक्स हैं, ये देखिए, और एक सिंगल USB पॉइंट है। और इसके अलावा ये देखिए, ये ईयर प्लग्स दिया हुआ है और बॉक्स में ये कार्ड दिया हुआ है। वैसे ये जो ग्लास है ये पोलराइज्ड सन ग्लास है और ये देखिए, ये एक तरह से टेस्ट कार्ड है। एक सॉफ्ट क्लॉथ मटेरियल दिया हुआ है, यूज़र मैनुअल दिया हुआ है। तो दोस्तों, ये है एलोवा बोन कंडक्शन सनग्लासेस। और सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो केबल है चार्जिंग केबल, इसे आप किस प्रकार से उपयोग कर सकते हैं। ये जो सनग्लासेस है इसके यहाँ पर चार्जिंग पॉइंट्स दिया हुआ है और ये जो डॉक है इसे आपको इस प्रकार से यहाँ पर लगाना है और जो दूसरा डॉक है उसे इस प्रकार से यहाँ पर लगाना है। फिर आप इस प्रकार से इसमें जो बिल्ट इन बैटरी है उसे चार्ज कर पाएंगे। ये सनग्लासेस दूसरे सनग्लासेस की तरह ही दिखता है लेकिन यहाँ से थोड़ा सा मोटा किस्म का है, क्योंकि इसमें बिल्ट इन बैटरी है और जो सिस्टम है इसके अंदर है एलोवा ब्रांड का है। यहाँ पर ब्रांडिंग दिया हुआ है और इसकी जो बिल्ड और फिनिशिंग है काफ़ी बढ़िया है, बढ़िया किस्म का लगता है, कंफर्टेबल भी है, लाइट वेट भी है और आपको एक स्टाइलिश लुक भी देता है। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें नीचे की तरफ, तो यहाँ पर देखिए बटन्स दिया हुआ है। इनफैक्ट दो बटन्स हैं और यहाँ पर LED नोटिफिकेशन लाइट भी है। तो अगर आपको इसे ऑन करना है, दोनों बटन्स को प्रेस करना है, इनफैक्ट आप एक बार भी कर सकते हैं, मतलब कि ये बटन को प्रेस करके मैंने कुछ देर होल्ड किया है, अभी ऑन हो गया है। इस बटन को प्रेस करके मैं कुछ देर होल्ड करता हूँ और ये वाला जो सेक्शन है ये भी ऑन हो गया है, मतलब कि आपको दोनों अलग अलग तरीके से ऑन करना है, क्योंकि जब आप दोनों सेक्शंस को ऑन करेंगे तो आपको स्टीरियो इफेक्ट मिलने वाला है। अगर आप एक सेक्शन को ऑन करेंगे तो वो एक सेक्शन ही काम करने वाला है और दोनों सेक्शंस में अलग अलग बैटरी दिया हुआ है। ये देखिए, LED नोटिफिकेशन यहाँ पर ब्लिंक हो रहा है। इसे मैं मेरे स्मार्टफोन के साथ में कनेक्ट करता हूँ। तो ये जो सनग्लासेस है इसे आप इस प्रकार से पहन सकते हैं जैसे आप दूसरे सनग्लासेस को पहनते हैं। बहुत ही स्टाइलिश किस्म का लग रहा है और ये खास किस्म का है। वैसे इसे मैंने ऑन कर दिया है। अगर आप इस भाग की तरफ ध्यान दें तो यहाँ पर बोन कंडक्शन टेक्नोलॉजी है। ये जो भाग है ये आपके इस बोन एरिया के यहाँ पर टच करता है और जो साउंड है वो बोन के थ्रू आपके कानों में जाता है। अलग प्रकार की टेक्नोलॉजी है और काफ़ी इंटरेस्टिंग किस्म की टेक्नोलॉजी है। और इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि जब आप इसे पहनते हैं तो आपका जो कान है वो बंद नहीं होता है। मतलब ये कि अगर आप किसी नॉइजी एनवायरनमेंट में हैं तो जो साउंड इफ़ेक्ट है वो इतना इफ़ेक्टिव नहीं रहेगा। दोस्तों, फ़िलहाल तो मैं एक साइलेंट रूम में हूँ तो यहाँ पर मुझे कोई इशू नहीं है, मैं इस प्रकार के डिवाइस का उपयोग कर सकता हूँ। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि इसका जो साउंड आउटपुट है वो इतना लाउड नहीं है, मतलब कि आपको वॉल्यूम फुल पर रखना पड़ेगा। और अगर आप नॉइज़ी एनवायरनमेंट में हैं तो आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से सुनाई नहीं देगा। लेकिन ये जो ईयर प्लग्स बॉक्स के अंदर दिया हुआ है, अगर आप इन्हें अपने कानों में डालेंगे या फिर आप इस सनग्लास को इस प्रकार से पहन लीजिए, अपने कानों को इस प्रकार से बंद कर लीजिए, आपको एक बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस मिलने वाला है। और जितना वॉल्यूम आपने रखा हुआ है उतना काफ़ी रहेगा।
यही कारण है कि बॉक्स के अंदर जो ईयर प्लग दिया हुआ है उसका आप उपयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों बढ़िया डिवाइस है, आपको स्टाइलिश लुक भी देता है और साथ में आपको एंटरटेन भी करता है। ये प्रोडक्ट बैंगगुड वेबसाइट पर अवेलेबल है और इसकी कीमत है तकरीबन 3,900 रुपये के आसपास। साउंड क्वालिटी की अगर बात करें तो मैं इसे 4 out of 5 की रेटिंग दूंगा। चलिए अब दूसरा प्रोडक्ट चेक करते हैं। ये है ऑस्मो पॉकेट कंट्रोलर व्हील और इस प्रकार की पैकिंग है, बहुत ही कॉम्पैक्ट सी बॉक्स पैकिंग है। अब ये जो प्रोडक्ट है इसकी कीमत है तकरीबन 3,500 रुपये के आसपास और इस प्रोडक्ट को इस प्रकार से पैक किया हुआ है। जैसे कि मैंने कहा बहुत ही कॉम्पैक्ट सी पैकिंग है, बॉक्स में आपको यूज़र मैनुअल मिलता है और ये खास किस्म का कंट्रोलर मिलता है। ये देखिए इस प्रकार का दिखता है। अब इस प्रोडक्ट को आपको DJI ऑस्मो पॉकेट के साथ में उपयोग करना है। ये देखिए ये खास इस ऑस्मो पॉकेट के लिए बनाया हुआ है। तो यहाँ पर जो अडैप्टर है उसे आपको निकालना है और ये जो कंट्रोलर है इसे आप इस प्रकार से यहाँ पर अटैच कर सकते हैं। अब इसे कंट्रोलर व्हील कहा गया है क्योंकि यहाँ पर एक व्हील दिया हुआ है जिसका उपयोग करके आप जो एंगल है इस गिम्बल का उसे एडजस्ट कर सकते हैं। वीडियो रिकॉर्डिंग के दौरान ये काफ़ी काम में आता है। उदाहरण के तौर पे मैं इसे ऑन करता हूँ। ये लीजिए अभी ऑन हो गया है और देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ बटन्स दिया हुआ है। ये जो व्हील है इसे जब मैं घुमाऊँगा तो ये देखिए किस प्रकार से जो गिम्बल है वो चेंज हो रहा है और इससे आप आसानी से चेंज कर सकते हैं क्योंकि स्क्रीन से चेंज करना बहुत ही मुश्किल है और कभी कभार गलती से कोई दूसरा एरिया दब जाता है तो वो भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और ये देखिए ऊपर नीचे का मूवमेंट है और अगर मुझे लेफ़्ट एंड राइट का मूवमेंट करना है तो ये जो बटन है यहाँ पर इसे मुझे प्रेस करके इस तरफ लाना है और अब ये इस प्रकार का मूवमेंट कर रहा है। तो ये काफ़ी काम में आता है, खास करके आप सिनेमैटिक शॉट शूट करना चाहते हैं और जहाँ पर आप मूवमेंट को कंट्रोल करना चाहते हैं। इसके अलावा इस कंट्रोलर व्हील के ऊपर दो एक्स्ट्रा बटन्स दिया हुआ है जिससे आप जो टिल्ट लॉक है या FPV ऑप्शन है या फॉलो ऑप्शन है उसे तुरंत ही एक्सेस कर पाएंगे। अगर आपको यही सेम चीज़ करना है स्क्रीन के ज़रिए तो काफ़ी समय लगने वाला है, यहाँ से जल्दी हो जाता है। और ये जो बटन है ये खास किस्म का है, इसे प्रेस करते ही ये ऑटोमेटिकली सेल्फी मोड में चले जाता है। इनफैक्ट अगर आपको सेल्फी मोड एक्टिवेट करना है तो उसके लिए आपको ये जो बटन है ऑस्मो पॉकेट पर उसे 3 बार प्रेस करना है, उसके बाद में ये सेल्फी मोड में आता है। 3 बार फिर से प्रेस करता हूँ ये नॉर्मल मोड में आ गया है और ये जो बटन है इसे 1 बार प्रेस करने से ही डायरेक्टली सेल्फी मोड में आ जाता है। तो ये बहुत ही काम की चीज़ है। वैसे ज़रूरी नहीं है कि आपको इस प्रकार के ही कंट्रोलर का उपयोग करना है, वैसे आप ये जो ऑस्मो पॉकेट है इसे आपके स्मार्टफोन के साथ में कनेक्ट कर सकते हैं और स्मार्टफोन के ज़रिए भी आप बहुत कुछ एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन कभी कभार आपको इसी प्रकार से बिना स्मार्टफोन के शूट करना है तो उस समय ये जो डिवाइस है काफ़ी काम में आ सकता है। अब ये जो प्रोडक्ट है ये भी बैंगगुड वेबसाइट पर अवेलेबल है और इसकी कीमत है तकरीबन 3,500 रुपये के आसपास। उसका लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और आखिरी प्रोडक्ट है ये RC जीप, RC मतलब रिमोट कंट्रोल जीप। ये जो प्रोडक्ट है ये भी काफ़ी मुझे पसंद आया, दिखता काफ़ी इम्प्रेसिव किस्म का था तो मैंने इसे भी ऑर्डर कर दिया था। इसकी कीमत है 2,900 रुपये के आसपास। ये जो जीप है खास करके जो मैं मोबाइल रिव्यूज़ करता हूँ उसका जो सैम्पल शॉट्स खींचता हूँ उसमें भी मैं इसका उपयोग करने वाला हूँ तो उसके लिए भी ये काफ़ी काम में आ जाएगा। और ये देखिए इस प्रकार का दिखता है, ये एक तरह से शॉक एब्जॉर्बर के साथ में आता है और ये PUBG टैंक ये एक्चुअली टूट गया है तो इसे मैं फ़िलहाल यहाँ पर रख देता हूँ। ये है इसका रिमोट कंट्रोल और यहाँ पर ट्रिगर बटन दिया हुआ है, इसे आप इस प्रकार से भी ट्रिगर बटन को प्रेस कर सकते हैं या फिर आगे की तरफ भी प्रेस कर सकते हैं। और ये जो व्हील है इसका उपयोग करके आप जो स्टीयरिंग व्हील है उसे कंट्रोल कर सकते हैं और यहाँ पे ऑन ऑफ का स्विच दिया हुआ है, यहाँ से आप जो स्पीड है उसे कम या ज़्यादा करना है वो कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये लीजिए जीप को मैंने ऑन कर दिया है और यहाँ पर देखिए लाइट्स ब्लिंक हो रही है और यहाँ पर भी आगे की तरफ जो लाइट्स है वो ब्लिंक हो रही है और इसे मैं यहाँ पर इस प्रकार से रख देता हूँ। और ये जो रिमोट कंट्रोल है इसका जो बटन है इसे मैं ऑन करता हूँ, अभी ऑन हो गया है और ये देखिए इस प्रकार से मैं इसे कंट्रोल कर सकता हूँ और इस प्रकार से जो स्टीयरिंग व्हील है उसे भी कंट्रोल कर सकता हूँ। तो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट है, अगर आपको ये प्रोडक्ट ख़रीदना है तो इसकी कीमत है तकरीबन 2,900 रुपये के आसपास। तो दोस्तों जहाँ से आप इन प्रोडक्ट्स को ख़रीद सकते हैं उसका लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अगर कोई ऑफ़र होगा तो उसके बारे में जानकारी भी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो इन 3 प्रोडक्ट्स में से आपको सबसे बेस्ट प्रोडक्ट कौन सा लगा कमेंट्स के माध्यम से आप मुझे बता सकते हैं। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और देखते रहिए।